रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिया गिरफ्तार हो चुकी हैं और उन्हें सायन अस्पताल लेके जाया गया है उनके ब्लड टेस्ट के लिए। एनसीबी ने कह दिया है कि वो किसी भी हालत में रिया को जमानत लेने नहीं देगी और खुद एनसीबी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी है रिया के लिए। आपको बता दें कि रिया के पास से जो मोबाइल और जो लैपटॉप जो बरामद हुआ था, जो गैजेट्स लिए गए थे, उसमें कई सारे बॉलीवुड के कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो खुलकर आ रहे हैं। ऐसे 20 से 25 नाम हैं जो कि ड्रग्स का सेवन करते हैं, ऐसे एक्टर्स का नाम उसमें एनसीबी को मिला है। इतना ही नहीं, एनसीबी ने जिन ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया था उनके गैजेट्स की भी छानबीन की गई और उसके अंदर से भी कई बॉलीवुड के लिस्ट जो है नामों की वो सामने आई है। और ऐसे में अब एनसीबी इन तमाम बॉलीवुड एक्टर्स को समन भेजने की तैयारी कर रही है, क्योंकि रिया जिस तरह से अपने आप को डिफेंस कर रही थी कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करती है, अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। इतना ही नहीं, रिया को कबूल करना पड़ा कि हाँ वो गांजा लेती थी और इसके अलावा कुछ केमिकल्स लेती थी, जो रिया ने एनसीबी के सामने कन्फेस किया है। क्योंकि रिया के वकील ने कहा था कि हम जमानत की अर्जी नहीं देंगे, इसलिए अब इस दांव पेच को देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब रिया के वकील मान शिंदे क्या स्टेप लेते हैं। लेकिन फिलहाल जिसका इंतजार लोगों को था वो आज का निर्णायक मंगलवार ही साबित हुआ है, जिसमें रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पिछले 3 दिन के अंदर जो घंटों घंटों पूछताछ की जा रही थी उस दौरान एनसीबी को काफी पुख्ता सबूत मिल रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर कि रिया ने चुप्पी साध रखी है और जिसका जवाब ढूंढने के लिए ही अब एनसीबी 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांग रही है। तो आगे आने वाले समय में अब ये केस क्या मोड़ लेता है ये देखना दिलचस्प होगा।